सब कैसे हैं? तो ये मेरा लुक है, वो सबसे पहला फर्स्ट ब्राइडल लुक है और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। तो ये कुछ कारण की वजह से वीडियो है वो चला गया था, तो मैं इसे वापस अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपने फेस के ऊपर आइस और आइस पैक लगाना है, और वो लगाने के बाद आइस को पकड़ के ऐसे मैंने अपने पूरे फेस नेक बैक साइड एरिया में कूल कर लिया। नेक्स्ट में मैंने ये टिश्यू पेपर यूज़ किया है, ये एक बेस रेडी कर रही हूँ। फिर मैंने टोनर का स्प्रे किया है, और नेक्स्ट में मैंने क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लिया है ताकि मेरा फेस है वो अच्छे से, जो भी मैं मेकअप लगाऊँ वो अच्छे से सेट हो और निखर के आए। तो ये मेरा पहला ब्राइडल लुक है, कुछ कारण की वजह से मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। और ये है फिट मी फाउंडेशन, जो कि डॉट डॉट के रूप में अपने फेस के ऊपर लगाना है। अब जो भी फाउंडेशन मॉइस्चराइज़र प्राइमर जो भी यूज़ करें वो पहले आपको एक बार पेच मार्क लगा के देख लेना है कि वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से बराबर है कि नहीं है। तो ये जो फिट मी फाउंडेशन है वो ज़्यादातर हमारी स्किन के साथ मैच हो जाता है और बहुत सारे सेट में हमें अवेलेबल है। और इस तरीके से अपने फोरहेड के ऊपर, आईलिड के ऊपर, सब जगह पर मैंने लगाया है, नेक के ऊपर, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर नेक्स्ट में मैंने 2 मिनट के लिए उसे सेट होने के लिए छोड़ा और मेक का लूज पाउडर लिया और अपने फेस के ऊपर लगाया। ये थोड़ा डार्क सेट में है और जल्दी से सेट हो जाता है। तो मैंने लगा लेने के बाद, अप्लाई कर लेने के बाद डायरेक्ट ही जल्दी से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि ये जहाँ पर रखा वहीं वो चिपकने लगा। कुछ लूज पाउडर ऐसे होते कि उसको सेट होने में थोड़ा देर लगता है, अपने ईयर्स, हैंड्स एंड बैक साइड में भी, अगर आपने फोरहेड के ऊपर भी, बैक साइड के ऊपर, सब जगह पर अगर बैक लेस पहना है तो उस पर भी अच्छे से मेकअप कर लेना है। नेक्स्ट में मैंने लेग में का स्टिक कंसीलर लिया है और अपने फोरहेड कॉर्नर, अंडर आई एरिया, चिन के आसपास के एरिया और लिप्स के आसपास के एरिया, सब जगह पर लगा के मैं इसे भी ब्लेंड कर रही हूँ सेम ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट में मैंने अगेन लूज पाउडर थोड़ा लगाया नेक के ऊपर, बैक साइड में, फोरहेड के ऊपर और अंडर आई एरिया में, सब जगह पर। नेक्स्ट में मैंने लिया है कॉन्टोर स्टिक, उसे अपने नोज को कॉन्टोर कर रही हूँ। फिर दोनों साइड एरिया में लगाया, ईयर्स से लेकर इन बिटवीन चीक तक, जो लाइन के ऊपर और चिन के आसपास के एरिया के अंदर हमें इस तरीके से कॉन्टोर करना है। फिर ब्रश की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। कॉन्टोर से हमारा फेस है वो बहुत ही स्लिम दिखता है, नोज भी है वो शार्प दिखने लगती है। फिर मैंने ऐसे ब्रश से अपने नोज को कॉन्टोर किया। यही स्टिक के अंदर दूसरी साइड में हाइलाइटर है, जिसे मैंने अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट में मैंने कलर बार का कॉम्पैक्ट लिया है। कॉम्पैक्ट है वो हमारी फेस के ऊपर लगे फाउंडेशन एंड कंसीलर को मिला के सेट करता है और हमारे फेस के ऊपर उन दोनों को अच्छे से मिला देता है, सेट कर देता है। ये है टोन एंड टोन्स, जो हमारी आईलिड के ऊपर लगाने से हमारी आईलिड का 75% है वो काम हो जाता है। फिर उसी में से मैंने एक सेट लेके ब्राउन कलर के अपनी ब्रो को फिल किया, एक मेकअप बॉक्स के अंदर, स्मॉल किट के अंदर से पहले ब्राउन कलर से फिल किया और फिर ब्लैक कलर की आई पेंसिल लेकर उसे भी थोड़ा स्मॉल स्ट्रोक में अपनी ब्रो को फिल किया ऐसे। फिर नेक्स्ट में मैंने पहले टोन एंड टोन्स लगाया था, उसके ऊपर डायरेक्ट मैंने क्रीज लाइन के ऊपर पर्पल कलर का
आईशैडो पैलेट में से आईशैडो लगाया है और उसके ऊपर मैंने ग्लिटरी सेट लगाया है, लिपस्टिक लगा ली है एंड दिस इज माय फाइनल फिनिश लिप फ्रेंड।